हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज ना ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है एंड यार गाइज सुबह से ना अपनी वीडियो अपलोडिंग पे लगा पड़ा हूँ। मतलब यार ये अपलोड ही नहीं होके दे रही है। पुराने घर पे जियो का नेट लग रहा था, जस्ट इन 50 और 40 मिनट्स के अंदर अपलोडिंग हो जाती थी फुल 4K वीडियो 60 FPS पे, सिर्फ 30 से 40 मिनट में अपलोड हो जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगा लो आप। बट यहाँ पे ना सुबह से हो ही नहीं रही है, अब भी टाइम दिखा रहा है यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट। यार बस मेरे को ना यही दिक्कत हो रही थी, मतलब शिफ्ट कर लेते हम, बहुत सारी दिक्कतें आती है बट मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है इंटरनेट ना चलना, इंटरनेट सेवाओं में दिक्कत अब समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो जियो वालों ने अनलिमिटेड जियो पे डाटा दे रखा है चलाने के लिए, बट अपलोडिंग स्पीड तो उसकी भी नहीं आती है। बट जो फाइबर है ना जियो की, उसकी अपलोडिंग स्पीड अच्छी है। अभी ना मेरे यहाँ पे नेट जो है ना वो धीरज ने लगवाया था, अभी मैंने धीरज को कॉल भी करा है, तो धीरज कर रहा है बात कि ये थोड़ा सा चल जाए, क्योंकि यार अगर यही अपलोडिंग स्पीड नहीं आएगी ना, अब एक वीडियो के पीछे इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं चार पाँच घंटे बैठ रहूँगा अपलोडिंग के लिए, तभी कर रहे हैं हम। भैया को बोला है, देखते हैं आती है नहीं। डेली ब्लॉग्स करने का निर्णय तो ले लिया है बट यार पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मेन तो दिक्कत अपलोडिंग की है। वीडियो एडिट करने में तो हम थोड़ा टाइम नहीं लगाते, मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 घंटे में एडिट कर देता हूँ मैं, बट यार अपलोडिंग में जो टाइम लग रहा है ना मेरी हालत खस्ता कर देगा। वो खस्ता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ तो बोलते हैं, मतलब कि टाइट, हालत टाइट कर दे। एंड हेयर इज आवर ओबी। ओबी बेटे, ओबी बेटे, ओबी कौन आया, कोई आया है? कोई नहीं आया भाई, सो जा। हम लोग जा रहे हैं सर्कस देखने के लिए, जैसा कि मैं बता रहा था ना हमारे आज रेवाड़ी पे सर्कस लग रहा है, और मेरी वीडियो तो अपलोड हो ही नहीं है 2 घंटे से, अभी दोबारा से प्रोसेस पे लगाई है, और वो भैया को बुलाया था मैंने इंटरनेट वाले, भैया भी नहीं आए। धीरज भी आ गया एंड मम्मी को देखो गाइज, मम्मी पहाड़ी बनी हुई है, पहाड़ी सही लग रही है मम्मी की कैप, देख ले एक नंबर की है ना, काला क्या काला लगा दिया, ये हटा दो तो जानी। यार मम्मी ये सेफ्टी के लिए, यार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम बाहर जाते हैं जब ऐसे देख के हमें। नाइस भाई, पार्किंग के रुपए नहीं दूंगा मैं, स्टाफ से हूँ। कहेगा कौन से स्टाफ से, ब्रेन है ना सर्कस में काम करता है। सर्कस का बंदर तो यही है। अच्छा भीड़ है रेवाड़ी के लोगों के अंदर, क्रेज है मतलब कि सर्कस का है अभी भी। नाइस, 20 रुपए तू ले ली, 20 दे। गाइस देख लो गाइस, तभी तो मैंने मैनेजर रख रखा है इसको, हर जगह पैसे बचा लेता है। 3 स्कूटी के पैसे बच जाते, सही कह रहा है यूं, कह रहा है 3 स्कूटी पे आना चाहिए था, स्कूटी तो 2 ही अपने पास पे, पापा का स्कूटर चाहिए होता। चलो भाई ये क्या, ये बुकिंग 150-200, ये क्या चक्कर है भाई, 2-2 टिकट लेना भाई। भाई इसकी क्या आधी लगेगी या छोटे की, इसकी उसकी पूरी लगेगी, 3 साल से ऊपर का टिकट है, 3 साल से ऊपर। 150 रुपया को क्या सिस्टम, 150 पांच लाइन पीछे है या आगे फ्रंट की बैठने की, यही ले तू, दे दियो भाई, भाई पास टिकट दे दो, करप्शन है भाई धीरे जी यहाँ पे भी। 150 रुपए की टिकट पीछे के लिए, 200 रुपए की टिकट आगे के लिए, कितनी चार ही है तो 5 होगी। गाइज मम्मी पता क्या बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं कि सब सोचेंगे कि ये इसने कैप क्यों ओढ़ रखी है, फैशन, मम्मी कह रही है फैशन ट्रेंडिंग में आ जाएगा थोड़े दिनों में, पहाड़ी टोपी का फैशन, सब लोग अपने बाल उड़वा के पहाड़ी टोपी पहन के घूमेंगे। भाई Right.
लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें आसान है, नॉर्मल है, बहुत मेहनत है, सीरियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है इतनी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ती है। और अगर छोटी सी भी कोई भी लापरवाही हो जाए ना तो सीधा बहुत बड़ी इंजरी होने का भी डर। तो यार मेहनत तो करते ही हैं ये लोग, जैसे अब है ना लोगों का कुछ नहीं कह सकते हम, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ भी बातें बना देते हैं, ऐसे ही है नॉर्मल है, मेरे ऊपर भी बना देते हैं। मैं वीडियोज़ करता हूँ ना शूट, मेरे को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं क्या वीडियोज़ बना रहा है। यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते हैं कि भाई तू फोटोग्राफर क्यों नहीं बन जाता, बताओ अब क्या करें। लोगों का काम है बोलना, जीवन का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये करना ही नहीं। अरे किसका गुम हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो यार। हाँ भाई
पर्स में पार्किंग की स्लिप मेरे पास, पर्स हाँ अभी के पास नहीं, मेरे पास ही है भाई ये ना। कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम, पांडुपोल। हाँ तो गाइज अभी ना कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग पांडुपोल जा रहे थे, मम्मी ने यही बोला था कि कल तुम तो जा रहे हो वहाँ पे, मुझे नहीं पता आज सर्कस दिखा के लेके आओ। ठीक है मम्मी की सुन ली हमने, अब सुबह सुबह गाइज निकलना भी है। क्या कह रहे हो, वही देख लो आप भी कर सकते हो ये करतब करके देखना। आज आपने यही चीज सीखी है, आज आपने यही मोटिवेशन लिया यहाँ से कि मोटे लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। हाथ पैर थोड़ी ना, हाथ पैर थोड़ी ना टूटेंगे इससे। अरे वो के चावे हैं। कौन है वो बोल रहे थे 60 रुपए का थल था वो ले लिया सोता भाई। गाइस मम्मी ना लिटरली बाहर आने के बाद कंट्रोवर्सी खेलती है, हमें खेलने की जरूरत नहीं होती। अब है ना कल पता है क्या सीन हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना मैं बता रहा था ना लास्ट वीडियो के अंदर भी, लोग कह रहे कि यार तुम लोग हवाबाजी मारते रहते हो। मैंने मम्मी को बताया ना कि ऐसे ऐसे उस बंदे ने ये बोला है, तो मेरी मम्मी भिड़ती कह रही है बंदे को ना ये समझा दी धीरेन की माँ कौन है। मम्मी भी लाइक की भाई, पर अब तो ऊपर से वैसी दवाइयों का असर है, रेडियोथेरेपी का असर है, भूख। फिर आप रोटी बना के आए हो, चलो भाई चलो गाइस। तो क्या क्या देखा सर्कस? मौसी ने पहली बार देखा सर्कस भाई, चाबी अब तो ना कहेगी जाएगी, दोबारा देखिए ये 200 रुपए में रसियन। चल ठीक है भाई, क्या हो गया, क्या करना है इसका, क्या पापा कह रहे ऊपर ही घूम ले, किसको, ओबी को। पापा ओबी को नहीं लेके जाना, नीचे ओबी को नीचे नहीं लेके जाना। उसके पास फोन मिला मोनू के पास, कल का प्लान क्या कह रहा है बताऊंगा, यही बताना ऑन कैमरा। नहीं कह रहा भाई 8 बजे, मैं बोलो भाई 7:30 लास्ट, 1 मिनट भी ऊपर होगी ना तो मैं हाँ। के निकल जाएंगे, नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, इधर इधर भाई इधर मोड़ ले और इधर उधर मत चला, आराम से चलाइए। और तो गाइस इसको ना हम स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं, एक्चुअली वो सिर्फ इसलिए सिखा रहे ताकि इमरजेंसी में काम है, नहीं तो हम इसको देते वेते नहीं है। सुन सिर्फ पार्क के चारों तरफ काटना, इसके अलावा कहीं नहीं काटना, 3 चक्कर मारी और खड़ी कर दी स्कूटी को, समझ में आ गई। चलो गो बेबी गो। बीरेन के साथ में मैं और धीरे ट्रिपलिंग राइडिंग कर रहे हैं भाई साहब, ये हमें ना आराम से भाई रहे हो, आराम से, डर भी लग रहा है मेरे को। हम लोग ना हम दुकान पे जा रहे हैं एक बार दूध लेने। चल भाई चल 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 चल, सीख तो गया भाई साहब, आ गई गाइस इसको। गाइस ये देखो ये क्या, हम दूध की थैली लेने आए थे और आइसक्रीम खा रहे हैं। धीरज तो नहीं खा रहा भाई, धीरज सही बंदा यार इस मामले में, मन नहीं है मेरा खाने का। फ्लैशबैक। तो गाइस अभी ना घूम फिर के घर पे पहुंच गए, एंड अभी ना इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमें निकलना भी है, तो सारी प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ चार्ज करना है, पैकिंग करनी है, छोटी मोटी चीज़ें तो लेके चलते ही हैं क्योंकि एक ही दिन का ट्रिप है हमारा, सुबह जा रहे हैं और इवनिंग तक हम वापस आ जाएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोज के लिए देखते रहिए धीरू वीरू ब्लॉग। राधे राधे बाय बाय।